एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू टॉपिक है, जिसे हम सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद कहते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, सहकारी संघवाद एक अलग टॉपिक है और प्रतिस्पर्धी संघवाद एक अलग टॉपिक है, लेकिन दोनों को मैं विस्तार से समझाने वाला हूँ, इसलिए दोनों को मैंने सिंगल टॉपिक बना दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सहकारी संघवाद क्या होता है, प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों के आधार पर संघवाद जो होता है उसकी अवधारणा को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, केंद्र तो आपको पता चल ही गया होगा और राज्य भी पता चला गया, तो ये दोनों जो सरकार है इनके संबंध के आधार पर, रिलेशन के आधार पर जो संघवाद है उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है सहकारी संघवाद और दूसरा क्या है, प्रतिस्पर्धी संघवाद। और प्रतिस्पर्धी संघवाद को ही हम प्रतियोगात्मक संघवाद भी कहते हैं। प्रतियोगात्मक संघवाद और सहकारी संघवाद दोनों एक ही होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जो सहकारी संघवाद होता है इसमें केंद्र एवं राज्य एक दूसरे के साथ क्षितिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सहकारी संघवाद में क्या होता है कि केंद्र एवं राज्य जो है वो अपने आपस में जो संबंध स्थापित करते हैं, इससे उन दोनों के बीच में होने वाली समस्याओं का हल किया जाता है। सहकारी संघवाद जो होता है इसकी अवधारणा में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और राज्य किसी भी श्रेष्ठ को स्थिति में नहीं लाया जाएगा। मतलब केंद्र या राज्य दोनों अगर एक साथ मिलकर सहकारी संबंध के रूप में काम करते हैं तो इसमें कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई बहुत बड़ा और कोई छोटा नहीं है, दोनों को समान दर्जा मिलेगा। मतलब राज्य में और केंद्र में से कोई भी अपने आप को श्रेष्ठ घोषित नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम अगर देखें कि प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य संबंध जो होता है वो लंबवत होते हैं, जबकि राज्य सरकारों के मध्य संबंध क्षितिज होते हैं। और प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। यहाँ पे एक प्रकार का आप देखिए ये कंपटीशन के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे राज्यों का कंपटीशन केंद्र के साथ होता है कि हम श्रेष्ठ हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, इसे हम प्रतिस्पर्धी संघवाद के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के संविधान विशेषज्ञ, अभी मैंने आपको केसी व्हीलर के बारे में बताया था ना, केसी व्हीलर, उन्होंने ही तो भारत को अर्धसंघीय देश के रूप में या राज्य के रूप में बताया था। तो केसी व्हीलर के अनुसार जो संघवाद है वो पारंपरिक रूप से क्षेत्र विशिष्ट में एक देश की संघ और राज्य सरकारों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। मतलब कि संघ मतलब हो गया केंद्र, केंद्र का भी स्वतंत्रता का प्रतीक है और राज्य के भी स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये बात किसने कहा, तो संविधान के विशेषज्ञ है ये, कौन, केसी व्हीलर। अब केसी व्हीलर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो संविधान पारंपरिक रूप से क्षेत्र विशेष में एक देश, मतलब देश की संघ का क्या मतलब हो गया, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार का मतलब तो आपको पता है राज्य सरकार, ये दोनों के स्वतंत्रता का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है। जब संविधान सभा के सदस्यों ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे अन्य महान संघों के संविधान का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया, देखिए यार समझिएगा, संविधान सभा तो हमारे यहाँ बना था, बहुत सारे सदस्य थे, इनके सदस्यों ने क्या किया, अमेरिका के संविधान को पढ़ा, कनाडा के संविधान को पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को पढ़ा और स्विट्जरलैंड के संविधान को पढ़ा। तो उन्होंने संविधान के इनको बड़ा ध्यान पूर्वक अध्ययन किया, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय गणतंत्र की आवश्यकता के अनुरूप एक प्रणाली तैयार करने हेतु पिक एंड चूज की नीति अपनाई। देखिए, पिक एंड चूज मतलब इन अलग अलग संविधानों में से जो बातें सब अच्छी थी उसे चुनके अपने संविधान में डाल लो, इसी को हम क्या कहते हैं, पिक एंड चूज की नीति कहते हैं। पिक एंड चूज की नीति भी एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसे इंपोर्ट समझिए और इसे याद कर लीजिए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत की संविधान सभा सहकारी संघवाद को अपनाने के लिए विश्व की पहली बार निर्वाचित निकाय बन गई। क्या हुआ कि भारत का जो संविधान सभा था इन्होंने सहकारी संघवाद को अपनाने के लिए हामी भर दिया और ये विश्व में पहली बार निर्वाचित निकाय बनकर उभरी थी।
इस तरह से आपने देखा क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस टॉपिक जिसका नाम था सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद। अब इन दोनों को आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।